बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम रहीकुम मैं हूं सैबी काजमी आज़मी नाजिन सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप बहुत सारे प्रोग्राम जो पिछले पसंद किए जा रहे हैं आपका फीडबैक आ रहा है उनमें से एक प्रोग्राम जो कि गुड बैड तालिबान पाकिस्तान के लिए लेकिन इस वक्त जो एक मसला इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है ट्विटर ट्रेंड्स बने हुए हैं वह हैं वज़ीर पी टी एम पश्तून तहफ़ मूवमेंट जो है उनकी गिरफ्तारी पर इस वक्त जो है वो एक बहुत मसला बना हुआ है इसकी तस्वीर शेयर की जा रही हैं पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हामिद मीर सना बुचा रूफ क्लासरा वगैरह वगैरह ये बहुत सारे जो है वो इस वक्त बात भी कर रहे हैं और लोग सुनना चाहते हैं इसका मसला क्या है सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान की आबादी में एक बड़ी आबादी में पश्तून जो है वो एक बड़ा हिस्सा है हमारी ये फौज पाकिस्तान में भी पश्तूनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बहादुर खयूर कौम है अब इतनी बहादुर खयूर कौम है लेकिन इस जी जो पार्टी पी टी है इन्होंने नाम रख दिया पश्तून तहफ मूवमेंट जैसे पश्तूनों को तहफ़ की अब जरूरत है जो हमारा तहफ़ करते हैं अब उन्हें तहफुज की जरूरत होगी खैर इस बात से आगे अगर बढ़े तो ये पी स्टार्ट कहाँ से हुई मैं थोड़ा सा ज्यादा इसमें माजी में नहीं जाऊँगा आपको नकीबिला महसूद एक खूबसूरत जवान वो जिसको एस पी राी में किस तरह ज्यादी हुई पूरी पूरा मुल्क खड़ा हो गया एक एक बच्चा बच्चा हम सब लोग उस वाक़े पर दिल दिल बर्दाश्त थे दुखी थे हम सब लोग खड़े हुए कि उस बच्चे को इंसाफ मिले राव अनवार नामी एस पी याद रखे गए नाम और ये शख्स जिसने किया वो उसी तरह फिरता रहा उसके केसेस कुछ भी नहीं बने उसकी वजह क्या थी कि उसके जो सहूलतकार उसके जो फैसिलिटेटर या उसकी बैक पे जो लोग थे वो थे आसिफ अली जरदारी साहब चेयरमैन साहब उन्होंने बरमलास का कहा पुलिस मुकाबलों का अनकाउंटर्स वो करता था उसका उसकी खुलकर इन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था आज जब आप देखें ये जो पीटीएम नाम ने हाथ की आदत बैठी होती है उन्हीं लोगों के साथ तो ये समझ से बाहर आ रही है कि जब आपका मसला उधर से शुरू हुआ है लोगों के साथ तो आज आप किधर चलेंगे फिर खैर पी ने वो जंगजदा इलाका आपको पता है उसके महरूमी पिसे हुए लोग दुनिया में जहाँ भी कोलेट्रल डैमेज होते हैं आप देख लें सवात में मेरे दोस्त यहाँ पर रहते हैं उनके घर में वो कहते हैं हमारे घर में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर गोली का निशान ना होता उन्होंने फिर इस इस मुश्किल हालात में भी लेकिन अपनी अफवाज के खिलाफ नहीं खड़े क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग नहीं कर रहे ये लोग तो वहाँ पर अमन करने के लिए आए हुए हैं जिन तालिबान की कल मैं बात कर रहा था वो जो पाकिस्तान तहरीके तालिबान जो उन्होंने बनाई टी टी पी और जिनको बाद में उज्बक और उन लोगों की पचास हज़ार जंगजू इकट्ठे किए वो लोग इस पूरे इलाके में आकर इंतजार फैला रहे पाक अफवाज पर लड़ रहे और कोशिश कर वहाँ पाकिस्तान फौज तो वहाँ पर कोशिश कर रही थी कि इस तरह इनको बचाया जाए लेकिन चूँकि वहाँ पर कोलेट्रल डैमेज हुआ लोगों के घर तबाह हुए तो महरूमी का जो एहसास था वो बढ़ता रहा उसको इन लोगों ने कैश करने की कोशिश की और उससे आगे लेकर आए पश्तून तहफ़ मूवमेंट बना ली इन्होंने बात सिर्फ ये कि ये डिवरेंट लाइन बनी हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान खोलें ताकि यहाँ के तालिबान वहाँ जाकर बदमाशी करें और वहाँ से जो गुंडा अनासर हैं वो इधर आके दोबारा वो गेम क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने कंट्रोल कर लिया ये लोग ये चाहते हैं कि असल में इनकी गेम सारी की सारी ये है कि किसी तरह ये हो अब आप मुझे बताएं कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क है जहां पर एक एम एन ए को हथकड़ी लगी हो ये हामिद मीर साहब के अल्फाज हैं तो मीर साहब से कोई बंदा ये पूछे कि आप भी मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताएं जहां पर एम एन एम पी एज़ एम एल एज़ खड़े होकर अपने ही मुल्क के बारे में इस तरह की बातें करें और उन्हें कोई कुछ कहे ना जमशेद दस्ती को गिरफ्तार किया गया था वो भी एम एन ए था उस पर किसी ने आवाज़ नहीं, आवाज नहीं उठाई और इस तरह मीर साहब को याद रखना होगा कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्ल में ये लोग जो बेहतरी आ रही है ये लोग इस बेहतरी को किसी सूरत में देखना नहीं चाहते पी को इस्तेमाल किया जाता है ये लोगों की वहाँ सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करके वहाँ पर इस तरह से कोशिश करें कि वहाँ पर जो नज़रियात बिल्ट हुए हैं जो नेगेटिव बिल्ट हुआ है, बिल्ट हुआ है उसे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिया जाए और इनके साथ क्योंकि वहाँ पर देखें लोगों के रोज़गार भी हैं उनके घर बार भी उनके मवेशी माल ये सब का सब उनका वहाँ पर तबाह हुआ इसमें कोई शक नहीं उनका नुकसान हुआ बड़ा शदीद ये मुझे जब मैं आपको अब अभी आपको एंड में थोड़ा सा बात इसका अली वज़ीर का अपने साथ इंटरव्यू दिखाता हूँ पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर हम जहाँ हमने बात की ये शख्स एम एन ए होते हुए भी पाकिस्तान फिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा था सियासी गवर्नमेंट है आप एम एन से इलेक्टेड होकर हैं एक तरफ धरती को शोर मचता है दूसरी तरफ आप इसी जगह पर जोहरी इदारे में खड़े हुए हैं दो सौ किलोमीटर के फासले पर इदारे हैं उन पर आप बात करें इससे बड़ी और आज़ादी क्या हो सकती है दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता देखिए जहाँ तक हम इस बात के हवाले से आप बात करें उस आज़ादी का हम हमेशा भी दिक्कत रहेंगे देखिए आप खर कमर के हवाले से देख लें वहाँ पे इन्होंने फायरिंग भी इन्होंने की मारे भी हमारे बंदे शहीद हो गए जेल एफआईआर भी हमारे ऊपर काटी गई हमारे बंदे जो है ना वहाँ पे इन्होंने अरेस्ट भी करवाए हमें भी अरेस्ट करवाया गया वहाँ पे लेकिन उल्टा आप देखे कि हमारे खिलाफ भी एफ आई आर काटी गई इसी जेल तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी काटी साहब ने भी काटी तो आप ये देख लें ना सियासी देखे आ, ये हम पहली बार नहीं गए जेल के हम पहली बार गए ये हमारी दस पंद्रह बीस से भी ज़्यादा बार हम सियासी हवाले से जेल गए हैं लेकिन इनका रवैया जो था इनका बदनामी जो था इनका मीडिया कवरेज के हवाले से जो ये प्रोपेगंडा कर रहे थे लोगों के जहन गंद कर रहे थे क्या उनमें इनको कुछ मिला? अली साहब ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं आपको पाकिस्तान जिंदाबाद पाकबाद ये आप कह सकते हैं देखे हमने इस मुल्क के हवाले से अगर आप हम पे ये लाजमन वो करना चाहते हैं या आप कहते हैं कि आप मेरी मुँह से कहे या ये ये लोग कहे कि आप हमारी मुँह से एक उसके हवाले से हम नहीं कहें और क्यों नहीं लगा रहा था आपको तुम्हारा मसला अगर फ़र्ज़ कर लें फौज से है तो पाकिस्तान से तो नहीं है तुम उस मुल्क में रह रहे हो फिर भी लेकिन ये फिर अफगानिस्तान गए वहाँ ने झंडे भी उठाए नारे भी लगाए खैर वो उसकी आप देखिएगा इंटरव्यू में आपको जरूर दिखाऊंगा उसमें लेकिन ये लोगों की फनकारी है इन लोगों की फनकारी है ये बड़े कि ये किस तरह लोगों के जज्बात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके खुद माल बना गए और ख़ुद ये बैरून मुल्क इनकी जो एक्टिविस्ट तीसरी खातून है गुलाई उन्होंने वहाँ पनाह भी ले ली गेम भी कर ली अब उनको वहाँ एन जी ओ से माल भी मिल रहे हैं इन लोगों को भी मिल रहे हैं सब वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते और आप देखेंगे इनके साथ जो खड़े लोग हैं गुल बुखारी हो गई हामिद मीर हामिद मीर को भी गोलियों का आपको पता है उनका एक बड़ा केस चलता रहा फिर गुल बुखारी होगी उनके वो कहते हैं जी हाँ मुझे अगवा किया गया था उमर चीमा उसके बाल वो कहते हैं जी मेरे उड़ाए गए थे मतियला जान कहते थे मुझे अगवा किए ये वो तमाम सहाफ़ियों की ब्रिगेड है पूरी एक ये इनके साथ आपको नज़र आएंगे और ये क्यों नज़र आएंगे इसलिए कि इन सब के मकासदेक है कोई जला हुआ है ज़रूर अब मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज के मतलब छः लाख पाकिस्तान की फ़ौज है सारे के सारे जो है फरिश्ते होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता जरूर वहाँ पर भी कोई ऐसे अनासर होंगे जिनका कुछ दुश्मनी साफी से होगी किसी जतीी मसला होगा किसी को ज़ाती पसंद नहीं आएंगे वो अपने तौर पर कोई ना कोई ऐसा एक्शन अगर कर चुके हैं या करेंगे या कर रहे हैं तो उन एक्शन की बुनियाद पर आप पाकिस्तान को तो नहीं सामने रख सकते कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगाएँ आप यार ये देखें आप मैं लोग एम एन ए हैं उस मुल्क के उस मुल्क के कानून और आयन की बात करते हैं और उस मुल्क के अंदर खड़े होकर उस मुल्क को जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले फिर इनकी जल्सों में ज़ुबान सुने इनकी ज़रा मुल्क के ख़िलाफ़ ये बात करते हैं बार बार अफ़गानिस्तान, अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है हमने अपनी रोज अपनी रोटी को अब देखें पाकिस्तान के इतने वसाइल नहीं थे जब ये अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा महाजरीन अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आए अपना ली पाकिस्तानियों ने अपने हाथ खोल के दिल खोल दिए अपने घर खोल दिए उनके लिए अपनी रोटी में से उनको हिस्सा दिया उन पर एहसान नहीं किया वो हमारे भाई थे आज ये जिस अंदाज़ में कहते हैं कि अफगानिस्तान की इस लाइन को हटाया जाए अफगानिस्तान की इस बॉर्डर को अफगानियों के लिए नहीं किया जा रहा है ये उस अनासर के लिए किया जा रहा है दो, जो दोनों मुल्कों में मसाइल पैदा करते हैं और ये पी टी एम के जो क़्यादत है ये भी उन्हीं अनासर की सपोर्ट में जा रही है इसलिए ये मसला लोगों को समझना होगा कि अली वज़ीर की जो तस्वीर आई और फिर बड़े अफसोस की बात जो बड़े साफ़ी बिना रिसर्च के देखिए हम लोग एक टीम छोटी सी टीम के साथ हम लोग इतनी रिसर्च करते हैं ये जो लोग बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े चैनल्स पर हामिद मीर वगैरह 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 सना बूचाइ आप लोग दो चार बंदे रख लें आपके पास नहीं है तो हमारे बंदे ले जाए लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करें वो तस्वीरें होमलेस लोगों की ऑस्ट्रेलिया के ए बी सी के वो प्रोग्राम है मैंने भी इस्तेमाल की वो तस्वीरें उठा के लगा रहे देखें जी के और फिर उस ट्वीट को डिलीट करें बजाय कि माफ़ी मांगते खैर ये उनका अपना ज़्यादी है लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पी टी एम की ये जो अभी सिचुएशन है जिसमें अली वज़ीर को गिरफ़्तार किया गया मौसन दावड़ और गुलाई और इन जैसे और बहुत सारे लोग जो एक्टिविटीज़ करें ये उसी हाइब्रिड वॉर ये उसी जो जिसकी चीफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं ये उसका हिस्सा है आप इनके जलसों में जो गैदरिंग इकट्ठी हो रही है वो लोग इनके लिए नहीं आ रहे वो अपनी एसास महरूम के लिए आ रहे कि उनके इलाके में काम नहीं हो रहा, उनके इलाके में फंडस नहीं है अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ये बार बार इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की या उन लोगों की जो इनकी हमायत करते आप यकीन करें मैं ख़ुद इनकी हमायत करता था वज़ीर की मोसन दावड़ की इन सब की कब तक जब तक ये लोग पाकिस्तान के साथ थे जब तक इन्होंने इदारों पर हमले नहीं किए जब तक इन्होंने ये अफ़गानिस्तान की लाइन को हटाने हिंदुस्तान के साथ अच्छे वो बोलते वो तमाम वो चीज़ें नहीं कें जब तक इन लोगों ने अपने एजेंडा साफ रखा उसको लोगों के मसायल तक रखा आम लोगों की और फिर जो इंसाफ की फरहमी है वहाँ तक रखा अब इन्होंने इंसाफ की डेफिनेशन भी अपनी रख ली है मसायल और वसायल की डेफिनेशन भी अपनी बना ली है क्योंकि अब इनकी पावर आ चुकी है अब इन्होंने लोगों को इस्तेमाल करके वो सेंटिमेंट क्योंकि आपको पता है नफ़रत बड़े आराम से बिकती है लेकिन अली वजीर साहब को उस तरह पकड़ा गया और ना सिर्फ अली वजीर साहब को पाकिस्तान के बारे में जो शख्स इस तरह की बात करे मेरा तो जाती ख्याल है महमूद अचक जई को लाहौर के जलसे के बाद फ़ौरन गिरफ़्तार करना चाहिए था जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने पर क्योंकि ये लसानियत है ये नफरत फैलाते हैं लोग माजी में हमारे साथ क्या हुआ शेख मुजीब हो गया ये हो गया अल्ताफ़ हुसैन हो गया इन लोगों ने नफ़रत की बुनियादों पर हमें तकसीम किया हुआ चाहे वो मसलक होता चाहे किसी मज़हब की बुनियाद ले लें या इन लोगों की सियासत में लसानियत ले लें सुबाइत ले लें इन सब लोगों को और कानून को बिल्कुल कड़े हाथों आइनी हाथों के साथ निपटना चाहिए उन लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाएँ ताकि दोबारा कोई जरूरत न करे कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों या पाकिस्तान की आवाम पर इस तरह की घटिया ज़बान इस